हे गाइस, तो आज ना कुरकुरे और ब्रेड स्लाइस से कुछ मजेदार बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 रुपया वाला एक कुरकुरे ले लिया है और उसको मैं अभी एक बाउल में डाल लेती हूँ और इसे ना अभी हम अच्छे से थोड़ा क्रश कर लेंगे। बाय द वे, आपको कुरकुरे का मतलब कौन सा फ्लेवर पसंद है? मुझे यही वाला फ्लेवर पसंद है और चटनी वाला फ्लेवर ना मेरा पसंद है। आपका कौन सा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, एनीवे, तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड ले लिया है एंड इसको ना मैं अच्छे से थोड़ा टमाटर या फिर सेजवान सॉस से अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी दोनों साइड। आप चाहो तो मेयोनीज भी डाल सकते हो, अगर आपके पास हरी चटनी है तो ये भी डाल सकते हो। तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं तो मैंने टमाटर सॉस डाल दिया है और मैंने जो कुरकुरे क्रश किया था ना वो मैं डाल दूंगी ऊपर से। थोड़ा सा मतलब प्रेस करके डालना पड़ेगा, नहीं तो ये निकल आएगा पूरा। तो थोड़ा सा एकदम हल्के हाथों से स्प्रेड कर देना और एकदम उल्टा करके ना इसके ऊपर चीज़ डाल देना। मोज़िला चीज़ है तो डाल सकते हो, नॉर्मल चीज़ मतलब कोई भी चीज़ हो तो डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यू नो ब्लॉक वाला चीज़ है ना उसको मैंने कट कट करके मैंने डाला है। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा चीज़ डाल दिया, ऊपर से थोड़ा जो कुरकुरे का क्रश वो जो बाकी था मैंने वो भी डाल दिया। यू नो वेस्ट हो जाएगा इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा लगेगा टेस्ट में अगर आप डालोगे। अगर आपके पास कोई और फ्लेवर का हो तो 2 फ्लेवर मिक्स करके भी डाल सकते हो और अच्छा लगेगा। तो अभी ना ये मैं अभी इसको थोड़ा मतलब हल्का मतलब टोस्ट करना है। तो मैंने ना पैन पे ले लिया है मक्खन। जी हाँ, तो मैंने मक्खन ले लिया है। अभी मक्खन थोड़ा जैसे गर्म हो जाएगा ना हम इसको दोनों साइड ना 2 से 3 मिनट एकदम लो फ्लेम पे हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तवे पे ना थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस करना पड़ेगा ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए एंड इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। लाइक बच्चे बूढ़े किसी को भी पसंद आएगा, इतना टेस्टी और क्रंची है ये। मतलब इवनिंग स्नैक्स के लिए तो एकदम परफेक्ट है ये। ट्राई ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो पे। बाय।